BMPS 2023, ओके okay. एंड क्या लिखा है उसने, एज पर द सोर्सेज ऑफ इको अपडेट्स द अपकमिंग बीच मैच टूर्नामेंट इज लाइकली टू बी इनविटेशनल इनविटेशन ओनली विदाउट क्वालिफायर्स. तो मतलब एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट इज अवेटेड एंड द सेमीफाइनल्स माइट ऑकर इन लैंड सेटिंग्स. ओके सेटिंग्स क्या पता भाई सेमीफाइनल से हो जाए. एडिशनली देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द लैंड इवेंट बींग हेल्ड इन अ डिफरेंट सिटी. ओके ये भी हो सकता है पोटेंशियली अकोमोडेटिंग ओवर 10,000 ऑडियंस. ओ भाई बट गाइस आपको क्या लगता है कौन सी सिटीज में चांसेस लग रहे हैं आपको? इको अपडेट्स ने ये भी मेंशन करा है कि इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 22 नवंबर टू 18 दिसंबर. ओ भाई 22 तारीख से स्टार्ट भी हो जाएगा फिर, मतलब वेनसडे 4 मतलब 4 वीक. जैसे मैंने आपको बोला ना कि वन मंथ तो चलेगा चलेगा, तो भाई आपके सामने देख लो गेम्स ऑफ वर्ल्ड लाइक ने फाइनान छोड़ दिया. हाँ मतलब छोड़ क्या दिया, मतलब अभी के लिए शायद क्या पता वो जाए, अभी के लिए वो जा सकते हैं. और ये जो डिसीजन है मेरे ख्याल से उनके एनालिस्ट ने और टीम ने मिलकर ही डिसीजन लिया भाई. इसीलिए गाइस मेरे ख्याल से ये रीजन है, क्योंकि अब ये देखो ये पोस्ट है आपका अभी नवंबर 6 का, जहां पर आपका अप्सरा सीएसगो दिवाली बैटल रहा था और जेली यहीं पर ही लेके जाता था, मतलब मॉन्ग नाई और कैम ब्रावो की तरफ. तो मेरे ख्याल से और टीम तो मुझे फिलहाल के लिए उतना नजर आ नहीं रही है. सैनहॉक में ड्रॉप क्लैश होगा? नहीं ब्रो कोई ड्रॉप क्लैश तो मुझे नजर नहीं आ रहा. ये दिवाली बैटल का लेटेस्ट जो अभी हुआ था लास्ट वीक में. So